गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी अबाउट हॉलीडे एक्टिविटीज़. ओके, सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड व्हेन टू ईट देम. ओके, एंड चिल्ड्रन, हियर मेनी हार्ड वर्ड्स आर देयर दैट यू प्लीज प्रैक्टिस. आई विल एक्सप्लेन यू द प्रोनाउंसिएशन एंड प्लीज मीनिंग ऑल्सो यू लर्न फ्रॉम हियर. Okay, so here we are going to start the story. So children, tell me, have you ever went for a vacation to a place set in the middle of nature? Kabhi gaye ho nature ke beech mein vacation banane? Village, you think village gaye ho na? Yes, many of them may went. Or here in our area, this is village is only there na. So in this story taken from the book द बोगोली फूड डेज. ओके, ये कहाँ से लिया गया है ये स्टोरी? बोगोली फूड डेज से. 7-year-old पिटकी टॉक्स अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ स्पेंडिंग हर विंटर हॉलीडेज विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स इन द सिकोनी टी इस्टेट इन आसाम. तो 7 साल की एक पिटकी है, वो बता रही है कि विंटर हॉलीडेज में वो कैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गई थी छुट्टियाँ मनाने इन द सिकोनी टी. कहाँ पर है? स्टेट इन आसाम. ओके, सो डेटा वैन ऑफ टू कैलकटा द डे आफ्टर वी रीच सिकोनी. तो डेटा कौन है? यहाँ पे पिटकी के पापा हैं डेटा. ओके, पिटकी के मतलब आसाम में डेटा मीन्स पापा को डेटा कहते हैं. ओके, सो डेटा वेंट ऑफ टू कैलकटा द डे आफ्टर वी रीच सिकोनी. तो हम लोग जैसे सिकोनी पहुँचे उसके दूसरे दिन ही पापा वहाँ से चले गए. आई विश ही हैड स्टेड. काश कि वो यहाँ रहते, बट ही हैड सम इम्पॉर्टेंट वर्क. उनको कुछ ज़रूरी काम था इसलिए वो चले गए. वी हैव बीन देयर फॉर हियर फॉर ऑलमोस्ट 2 weeks. तो अब हम यहाँ 2 हफ्ते हो चुके हैं हमें. इट्स बीन ग्रेट फन. डोंडी एंड आई हैव बीन प्लेइंग एंडलेस गेम्स एंड एक्सप्लोरिंग द गार्डन. तो डोंडी कौन है? डोंडी उसका भाई है. ओके, पिटकी का भाई है. ओके, डोंडी एंड आई हैव बीन प्लेइंग एंडलेस गेम्स. तो एंडलेस मीन्स टू मैनी टू काउंट. बहुत सारा गेम्स हमने खेला. एंड एक्सप्लोरिंग मीन्स चिल्ड्रन यू नोट इट मूविंग अराउंड टू फाइंड आउट मोर अबाउट समथिंग. ओके, एक्सप्लोर करना उनको अच्छा लगता था. नई खोज करना in the garden, exploring the garden. The compound of bungalow is huge with a sloping lawn in front where Aitama has planted lots of pretty flower. Compound means an area surrounded by a fence or a wall. Okay, bada sa area tha wahan par lawn mein. Compound of the bungalow is huge with a sloping lawn. Wahan pe bahut acche lawn the. Okay, lawn means wahan jo yahan pe bade bade bungalow mein bagicha hota hai na, bas use hi lawn kehte hain. आयतमा, यहाँ आयतमा कौन है? आयतमा उसकी ग्रैंड मदर है, पिटकी की ग्रैंड मदर. ओके, वो बहुत सारे प्रीटी फ्लावर्स लगाई थी गार्डन में. देर इज़ अ पॉन्ड विथ फिश इन इट एंड ए काउ शेड विच हैज़ द टॉलेस्ट हेस्टेक नियर बाय. तो वहाँ पर एक पॉन्ड है जिसमें ज़्यादा फिश है एंड ए काउ शेड भी है विथ विच हैज़ टॉलेस्ट हेस्टेक. हेस्टेक का बच्चों मतलब क्या है? वो जो सूखा घास होता है ना उसका ढेर, उसे हेस्टेक कहते हैं. माँ, डोंडी एंड आई स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑन द हेस्टेक. माँ और डोंडी भाई एंड आई मतलब मैं पिटकी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम्स ऑन द हेस्टेक. हेस्टेक मीन्स सूखा हुआ घास जो है उसे. फिर माँ रीड्स टू अस फ्रॉम ए बुक कॉल्ड वाटरशिप डाउन. तो जहाँ पर हमारी माँ एक बुक पढ़ रही है, वो बुक है वाटरशिप डाउन. इट्स अबाउट रैबिट्स, वो रैबिट्स के बारे में. ओके, सो वी प्रिटेंड टू बी रैबिट्स एंड च्यू ऑन फ्रेश कैरोट्स. तो हम रैबिट्स बनकर और फ्रेश कैरोट्स खाने की कोशिश कर रहे हैं. फ्रॉम आयतम्मास एक्साइटिंग किचन गार्डन. आयतम्मा की एक्साइटिंग किचन गार्डन से हम वो सब खाने की कोशिश मतलब हम खा रहे हैं. ओके, मीन्स प्रिटेंड. ओके, प्रिटेंड मतलब सोच रहे हैं. द गार्डन हैज़
ऑल द विंटर वेजिटेबल्स। तो गार्डन में बहुत सारे सारे विंटर्स के वेजिटेबल्स थे। आयतमा सेज दैट टू बी हेल्दी वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट आर इन सीजन। तो आयतमा बोल रही है जो भी सीजन में जो फल आता है हमें हेल्दी रहने के लिए वो सब खाना चाहिए। ओके, दैट इज़ द राइट टाइम टू ईट देम। वही राइट समय है उनको खाने का। नेचर हैज़ मेड ए टाइम टेबल ऑफ व्हाट ग्रोज व्हेन एंड वी शुड फॉलो इट। तो नेचर ने ही एक टाइम टेबल लगा दिया है ना, तो हर टाइम पे वो उगेगा तो ही हम टाइम पे खा सकेंगे। वो उगेगा ही नहीं तो हम कैसे खाएंगे। इसीलिए नेचर ने हमारे खाने की टाइम टेबल, चीज़ों के खाने की टाइम टेबल कर दिया है, इसीलिए हम उसे सीजनली फल को खाते हैं। ओके, या फल हो या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स, उसे खाते हैं। द गार्डन इज़ ऑर्गेनाइज इन टू डिफरेंट प्लॉट्स। तो गार्डन बहुत ही बड़ा अरेंज किया है, सबका अलग अलग प्लॉट्स है, अलग अलग एरिया। ओके, इट हैज़ रोज ऑफ पीस क्रीपिंग ऑन टू बैम्बू फ्रेम्स। तो पीस मीन्स यू ना मटर, वो भी बैम्बू क्रीपिंग लपटा हुआ है उसमें। एंड कैरोट्स एंड कॉलीफ्लावर एंड ए सोर ग्रीन लीफी स्पिनच लाइक वेजिटेबल कॉल्ड सुखाक्षक। ओके, तो यहाँ पे कैरोट्स हैं, कॉलीफ्लावर हैं, सोर मीन्स खट्टा चीज़, ग्रीन है, लिफी है, स्पिनच, तो ये सब टाइप के वहाँ पे सब्जी लगे हैं। ओके, विच इज कॉल्ड सुखाक्ष, इसका मतलब ये टेस्ट वेरी सोर एंड कैन बी ईटन रो, कच्चे भी खा सकते हैं इनको। ओके, आई पिक दिस लीव्स एंड रैप देम इन बनाना लीव्स। तो मैं ये पत्ते तोड़ती हूँ और बनाना लीव्स में उसको लपेट देती हूँ। रैप का मतलब होता है लपेट देना। ओके, एंड माँ हेल्प्स मी रोस्ट देम इन द फायर आउटसाइड वेयर आवर बाथ वाटर इज हीटेड। और उसको माँ क्या करती है, रोस्ट कर देती है। ओके, रोस्ट का मतलब पता है, उसी के ऊपर उसको जला देती है, जैसे कि रोस्टिंग करते हैं ना उस आग में रख कर, वैसे ही आग में रख देती है और वो रोस्ट हो जाता है। ओके, इन द फायर आउटसाइड वेयर आवर बाथ वाटर इज हीटेड, बाहर में आग में जहाँ पे नहाने का पानी गर्म होता है वहीं पर माँ रख देती है। देन वी इन्वाइट एवरी वन टू कम एंड ईट इट, और फिर हम सबको इन्वाइट करते हैं इसको खाने के लिए। ओके, माई फेवरेट फ्रूट बोगोरी। वट इज़ बोगोरी? बोगोरी इज़ एन इंडियन फ्रूट नोन एज बेर इन हिंदी। ओके, तो बोगोरी मतलब बेर, बेर खाए हो ना चिल्ड्रेन, अच्छा लगता है ना? यस, इज़ इन सीजन नाउ। तो अभी के टाइम में बेर है, बेर तो ठंडी के सीजन में होते हैं ना। यस, इट ग्रोज ऑन द थॉर्नियस ट्री। थॉर्नियस ट्री मतलब कांटेदार पेड़ में उगते हैं। बट इट इज़ वेरी यम्मी, लेकिन ये बहुत ही यम्मी होता है। द फ्रूट्स आर सोर एंड ग्रीन वैन दे आर रो, जब वो कच्चे होते हैं तो खट्टे होते हैं और ग्रीन होते हैं, है ना। बट बिकम्स रेड एंड पल्पी एज दे राइपेन, और जब वो पक जाता है तब कैसा हो जाता है, रेड कलर और पल्पी, पल्पी मतलब सॉफ्ट एंड वेट, बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, पूरे पक जाते हैं। I didn't even mind getting cuts from the thorns. तो while trying to pick them, तो अब इतने अच्छे फल खाने के लिए अगर मुझे चोट भी लग जाती है ना कांटे की, तो मैं एक माइंड नहीं करता हूँ। ओके, वी ऑलवेज मिस द जलफाई। और ऑलिव सीजन मीन्स जलफाई मीन्स जैतून, सुने होगे नेम, जैतून का तेल होता है ना, उसको खाते भी हैं, ये करते हैं, तो वो। बट आयतम्मा हैज़ ट्रेस एंड स्ट्रेस ड्राइंग इन द सन फॉर हर पिकल्स। तो आयतम्मा ने क्या किया है, उनको पिकल्स अचार के लिए बचा कर रखा है। ओके, अचार बनाएगी उसका। आई हैव ऑलरेडी स्टॉलन एंड पॉलिश्ड ऑफ हाफ द जलपाइज। तो वो क्या बोल रहा है, मैं ऑलरेडी वहाँ से चुरा कर उसको आधा पॉलिश ऑफ मीन्स फिनिश ईटिंग समथिंग क्विकली, उसको जल्दी जल्दी चुरा के खा लिया हूँ। ओके, दे आर सोर एंड यमी टू, बहुत ही खट्टे हैं और बहुत ही अच्छे हैं, यम्मी हैं। व्हेन द पिकल इज़ रेडी वी कैन टेक इट बैक होम विद अस, तो जब अचार बन जाएंगे तो हम उनको अपने साथ घर लेकर जाएंगे। सो कोका गॉट द गार्डनर टू मेक अस टू सेट्स ऑफ बोज एंड एरोस। तो यहाँ पे कोका कौन है, कोका ग्रैंडफादर है उनके। ओके,
सो कोक्का गॉट द गार्डनर टू मेक अस टू सेट्स ऑफ बोज एंड एरोस, तो दो बो और एरो बनाने के लिए कहा। ओके, सो डोंडी एंड आई स्लिंग द एरो पाउचेस ऑन आवर बैग्स एंड प्ले शिकार शिकार विद देम, तो बो का मतलब पता है, बो एंड एरो तीर, तीर कमान, तो जिससे हम डोंडी एंड आई स्लिंग, स्लिंग मीन्स हैंग, हैंग करेंगे उसको, तीर को, द एरो पाउचेस ऑन आवर बैक, एरो का जो पाउच होता है ना जो पीठ में रख के उसमें जो तीर सब रखते हैं वैसे ही, धनुष ऑन आवर बैक एंड प्ले शिकार शिकार विद देम। डोंडी लाफ्स एट मी व्हेन आई शूट, जब मैं डोंडी को शूट करती हूँ तो वो हंसता है, बट ही सिली, आई नो आई कैन शूट, तो मुझे पता है, वो जानता नहीं, मुझे पता है कि मैं शूट कर सकता हूँ। वी ऑल्सो हैव ए रैफ्ट और भूर मेड ऑफ बनाना स्ट्रीम्स इन द पॉन्ड एंड आई एम ऑलमोस्ट एन एक्सपर्ट एट राफ्टिंग नाउ। सो वी ऑल्सो हैव ए रैफ्ट और भूर मेड ऑफ बनाना स्टेम्स इन द पॉन्ड, रैफ्ट का मतलब फ्लैट बोट्स, ओके फ्लैट बोट्स, जो राफ्टिंग यू नो ना पानी में जो राफ्टिंग करते हैं वो, और भूर मेड ऑफ बनाना स्टेम, जो पानी बनाना स्टेम को है उसके ऊपर पानी में हम इधर से उधर खेलते हैं, इन द पॉन्ड्स एंड आई एम ऑलमोस्ट एन एक्सपर्ट एट राफ्टिंग नाउ, अब मैं ऑलमोस्ट एक्सपर्ट हो गया हूँ राफ्टिंग करने में, ओके पानी में वो चीज़ डाल के फ्लैट बोट, ओके वेरी गुड एट डूइंग समथिंग, आई एम बेटर देन डोंडी, मैं डोंडी से ज़्यादा अच्छा करती हूँ। वी वेंट टू द स्ट्रीम टू हैव मिनी पिकनिक द अदर डे, ओके स्ट्रीम मीन्स बिग रिवर, ओके वी वेंट टू द स्ट्रीम टू हैव मिनी पिकनिक, वहाँ पिकनिक मनाने गए थे छोटा सा, द वाटर वॉज कोल्ड एंड क्लियर, पानी बहुत ठंडा था, पूरा साफ था, ओह सच फन, Sometimes I feel like I'm in a famous five adventure, but there's just the two of us. तो कुछ टाइम लगता है जैसे I am in a famous five adventure, मुने हम लोग पाँच एडवेंचर्स हैं, but there is only two of us, यहाँ पर हम दो ही हैं। Yesterday Koka took us to the big stream in the middle of the forest. तो हमें कल कोका क्या किए, बड़े स्ट्रीम में लेकर गए, इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, ओके जंगल के बीच में, ऑल ऑफ आस बैट इन द स्ट्रीम एंड आफ्टर दैट वी पिक्ड नाइस बिग ओटेंगा, दैट इज ओटेंगा इज वन टाइप ऑफ एलिफेंट फ्रूट विच इज एवरग्रीन ट्री, ओके फ्रॉम अंडर द ट्री, उस ट्री से क्या लिए, ओटेंगा लिए, एलिफेंट फ्रूट से, ओके वो पूरा साल भर वो पेड़ एवरग्रीन होता है, ओके दे वेयर ड्रॉप्ड बाय द एलिफेंट्स हु लव टू ईट दिस फ्रूट, ओके एतम्मा मेड द यम्मीस्ट टैंगी दाल, तो एतम्मा ने बहुत ही टैंगी मीन सोर खट्टे दाल बनाए थे विद द फ्रूट वी पिक्ड, जो फ्रूट्स हम लेकर गए थे एलिफेंट फ्रूट, उन्होंने से टैंगी दाल बनाया था उस फ्रूट का, ओके खट्टे दाल, एतम्मा डजंट लेट अस गो आउट इन द आफ्टरनून, एतम्मा क्या करती है हमें बाहर जाने नहीं देती है, डजंट लेट अस गो आउट इन द आफ्टरनून, ओके दोपहर में बाहर जाने नहीं देती, एंड वी हैव टू टेक ए स्नैप विद ऑल द ग्रोन अप, स्नैप मतलब हल्का दिन में जो सोते हैं ना उसे नैप कहते हैं, रेस्ट करते हैं दिन में सोते हैं, तो हमें भी बड़े लोग के साथ उन नैप लेना पड़ता है। एतम्मा इज़ वेरी क्लेवर, सी स्केयर्स अस बाय टेलिंग अस अबाउट बुरा डोंगरिया, सो हु इज़ बुरा डेंगोरिया, कौन है वो, वो एक भूत है, ओके द स्प्रिट ऑफ द ट्रीज, एक ट्री का भूत है, ठीक है, हु कम्स एंड टेक्स ए नैप अंडर द ट्रीज इन द आफ्टरनून, जो कि पेड़ के नीचे आकर वो नैपिंग लेता है, वो वहाँ पर रेस्ट करता है दोपहर में, इफ लिटिल चिल्ड्रन कम अलोंग, अगर छोटे बच्चे वहाँ जाते हैं, ही कैचेस देम एंड टेक
rats takes them away. वो उनको पकड़ के और अपने साथ लेकर चला जाता है. ओके, आई नो दैट देयर्स नो बुरा डंगोरिया इन रियल लाइफ. तो वो क्या बोल रहा है, पिटकी क्या बोल रही है, मुझे पता है कोई बुरा डंगोरिया नहीं है रियल लाइफ में. बट इट गुड्स टू बी केयरफुल, इट्स गुड टू बी केयरफुल, लेकिन फिर भी हमें केयरफुल रहना चाहिए. अगर हुआ तो मुझे तो पता है नहीं है, बगर अगर बाई चांस हो गया तो बेटर केयरफुल रहना ही ठीक है. सो वी स्टे इनडोर्स, तो हम अंदर ही रहते हैं. बट एतमा हैज़ टू बी ब्राइव अस. ब्राइव मीन्स गिव समथिंग वैल्यूएबल टू समवन टू मेक देम एग्री टू डू समथिंग. तो एतमा हमें राजी ही कर लेती है. सो एवरी आफ्टरनून सी टेल्स अस अ स्टोरी. तो हर दिन दोपहर में वो हमें स्टोरी कहानियाँ सुनाती है. ओह व्हाट फन इट इज़. सी टेल्स अस अबाउट किंग्स एंड थीव्स एंड क्लेवर फॉक्सेस एंड सिली मैन एंड ओह सो मैनी थिंग्स. तो आयतमा मुझे हमें बहुत अच्छा फ़नी कहानी सुनाती है और बहुत मज़ा भी आता है. वो राजा की, चोरों की, क्लेवर फॉक्सेस की सब की कहानी और सिली बेवकूफ़ इंसान की भी कहानियाँ सुनाती है. बहुत सारे कहानियाँ सुनाते हैं. ओके ओके चिल्ड्रन, अंडरस्टूड? इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी. बाय.